और सर ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है कितने दिनों का ये प्रशिक्षण? शाहबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के तरफ से ये चारों जिला जो भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, चारों जिला में ये जो दुग्ध समितियाँ गांव-गांव में जो बनी हुई हैं उन सब समितियों के लोगों को हम लोग यहाँ दुग्ध सहकारिता के बारे में बताते हैं और जो अभी दुधारू पशु प्रबंधन का ट्रेनिंग ये 5 दिवसीय सोमवार से लेकर जो 8 तारीख से शुरू हुआ और 12 तारीख को ख़त्म होगा। इस तरह से हम लोग ये चौथा बैच है, आगे भी हम लोग कृषि के संबंधित जानकारी हम लोग पशुपालकों को देना चाहते हैं जिससे कि दुग्ध का उत्पादन ग्रामीण स्तर पर ये विकास हो और दुग्ध से इन लोग जो है ना आर्थिक रोजगार कमा सकें। क्योंकि इसमें क्या प्रशिक्षण में क्या बताएगा? हम लोग बताएंगे दुधारू पशु प्रबंधन कैसे करेंगे, मतलब मवेशी जो ऐसा नस्ल सही रहेगा उनको, अगर जो मवेशी देसी नस्ल के जो मवेशी होंगे वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे हम लोग के वातावरण में और उसका रख रखाव सही से हो, उसके खान पान सही से रखेंगे और कम लागत में अधिक दूध उत्पादन करने का गुण सिखाते हैं हम लोग। टीकाकरण कराएंगे, कब कराएंगे, किस चीज़ का कराएंगे, FMD का टीका कराएंगे, HSBQ का टीका कराएंगे और उसको हम लोग भूसा जो खिलाएंगे उसको यूरिया उपचारित करके खिलाएंगे तो उसको हम वो जो प्रोटीन की मात्रा होगी वो 8% प्रोटीन उसमें हो जाएगा। यूरिया उपचारित सूखा भूसा, हरा चारा, जई, बरसी, मक्का, सुगान किस तरह से लगाएंगे कि उसका दूध के उत्पादन में कम लागत में मवेशियों को उसमें दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इस बारे में बताते हैं हम लोग। यानी दुग्ध उत्पादन से ज़्यादा से ज़्यादा सुधा दाना खिलाने की बात कहते हैं हम लोग, क्योंकि सुधा दाना की फैक्ट्री जो है ना शाहबाद दुग्ध संघ ने ये बिहियाँ पे प्लांट लगाया है जो पिछले नवंबर महीने में मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो उसके भी बारे में सुधा दाना के बारे में भी पशु संतुलित पशु आहार उसको कहा जाता है, मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे जिससे कि उनके मवेशी के जो स्वास्थ्य सही रहे और अधिक दूध उत्पादन करें और हर साल एक बच्चा मवेशी दे सके। और लॉकडाउन में जितनी भी बेरोजगारियां बढ़ी हैं उस चीज़ में हम लोग चाहते हैं कि नवयुवक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि अगर फैक्ट्री में कहीं बाहर काम करने गए तो उनके जो रोज़गार ख़त्म हो चुकी है उनके लिए एक पशुपालन के बेहतर रोज़गार गाँव में ही बन सकता है। जी, मेरा नाम समीम अख्तर है, मैं शाहबाद दुग्ध संघ में प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हमें बताया जाए दुग्ध उत्पादन को लेकर आज जो प्रशिक्षण चला 5 दिवसीय, क्या कहेंगे इस प्रशिक्षण के बारे में? और हम लोग शाहबाद दुग्ध संघ की तरफ से एक अच्छी व्यवस्था है कि जागरूकता फैलाना, सबसे पहली बात तो जागरूकता फैलाना, क्योंकि हमारे बहुत से किसान हैं जो ये समझते हैं ये जो डेयरी है सिर्फ सचिव की डेयरी है, लेकिन ये जो डेयरी है ग्रामीण, इसका नाम ही है जिस गांव से ये समिति रहती है उसका नाम ही है, कोई लोकल नाम नहीं रहता है, इसको उस गाँव के नाम से, जैसे कोई गाँव हो गया अगल बगल की कोई गाँव लेते हैं, जैसे कोई आप लोगों का समिति का क्या नाम है, खुंदनू काला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, दुग्ध उत्पादक के नाम पे ही होता है और यहीं से इस समिति का अर्थ निकलता है। और हम लोग को किसान को बुला के, हर गांव में तो जाना संभव नहीं होता है, तो हम लोग किसान को यहीं बुला के 5 दिन रखते हैं और बताते हैं कि कम लागत में अधिक से अधिक कैसे दूध उत्पादन किया जा सकता है। और ख़ास करके मैं यहाँ शाहबाद दुग्ध संघ में लेडीज़ एक्सटेंशन ऑफिसर के कार्य पद पर कार्य करती हूँ और कोशिश करती हूँ, मतलब मेरा काम ही यही है कि महिलाओं को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देना। और मेरे आने, हम यहाँ 4 साल से काम कर रहे हैं और आने का मकसद ही यहाँ है कि लेडीज़ को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी, और जितना पुरुष लोग काम करते हैं उससे ज़्यादा कहीं महिलाएँ काम करती हैं और उनकी पशुपालन से आर्थिक स्थिति का सुधार हो सके, क्योंकि जब तक महिलाओं की आर्थिक स्थिति का सुधार नहीं होगा तब तक हमारे बिहार का सुधार नहीं होगा। मेरा नाम सरिता कुमारी है। अरे शिखा कहाँ रह गई? महारानी होगी कहीं ब्यूटी पार्लर में। अरे रमा, तू तो यहाँ होके भी यहाँ नहीं। कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगी तो पटरी पर आ गई, पर बच्चों का क्या, स्कूल में पढ़ाई पहले ही चौपट थी, अब तो मानो पढ़ाई से दिल ही उतर गया है। मेरे घर का भी यही हाल है। लो शिखा आ गई। हाय। अरे शिखा तू कहाँ रह गई? बच्चों का एडमिशन करवा के आ रही हूँ स्कूल में। कौन सा स्कूल? वही जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, तकनीकी शिक्षा, रोबोटिक्स, खेलकूद और कला संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है, और तो और फीस भी औरों से कम है। भला ऐसा कौन सा स्कूल है हमारे शहर? विश्वास का एक ही नाम, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, जिसने लॉकडाउन में विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों में पढ़ाई के रुझान को कायम रखा, साथ ही सभी अभिभावकों से भी जुड़े रहे। अरे रमा अब तू कहाँ चली? और कहाँ? ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय।